हेलो दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में एसटी केबल का जॉइंट बनाना सीखा था। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे थे कि उसके अंदर मैंने कुछ मिस्टेक बताई थी कि मतलब कुछ मेरे एक्सपीरियंस होल्डर है तो वो बता रहे थे कि आपने ये गलत बताया। तो मैंने सोचा कि कोई अगर वीडियो देखे तो उसको भी गलत ना लगे, तो दोस्तों इसलिए मैं दोबारा वीडियो लेकर आया। तो क्योंकि हमने जो मैंने बताया था आपको आई आर वैल्यू बताई थी, मतलब फेस टू फेस और फेस टू अर्थ, दोस्तों इसमें मैं बता रहा था कि जो ओएल है, ओएल का मतलब है कि मेगर में इनफाइनाइट वैल्यू आना। इनफाइनाइट वैल्यू आना मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है, मतलब ओवरलोड, ओएल ओवरलोड मतलब उसकी जो रेंज है उससे पार है, मतलब जो अच्छी कंडीशन है उससे भी पार है। तो मेगर भी हमारा क्या करता है, ओएल दिखा दिया, मतलब उससे बहुत अच्छी कंडीशन में है वो केबल। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बात बता दूँ कि जो हमारा जॉइंट बनने के बाद भी हम मेगर लेते हैं, उसमें मेगर लगभग हम 30 सेकंड पे लेते हैं, एक मिनट पे भी लेते हैं। उसकी अलग अलग वैल्यू हम नोट कर लेते हैं, आर वाई बी वाई, उस तरीके से अर्थिंग के साथ भी कर लेते हैं। तो उसके अंदर जैसे जैसे हम उसके ऊपर मतलब इंसुलेशन चढ़ाते रहते हैं, रजिस्टेंस भी घटता चला जाता है। तो लगभग जॉइंट हमारा ख़त्म होने के बाद वैल्यू लगभग आ रही थी 5 पॉइंट के आसपास, किसी का 4 पॉइंट के आसपास ले रहा था, किसी का 5 पॉइंट। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, ज़रूर करें, शेयर करें।